अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद रूबी और उसका ब्रदर ये अपने नेबर के पास रहने के लिए चले जाते हैं, पर नेबर का इन बच्चों को लेकर कुछ अलग ही प्लान था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द ग्लास डोर, एक हॉलीवुड मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हमेशा आपकी सीट के एज पर रखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। आज उसके पेरेंट्स बाहर गए थे तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी। अगली सुबह उसके पेरेंट्स इस पर डिस्कस करते हैं। रूबी एक्चुअल में बहुत ही लेट घर पर आई थी, जो गलत था। एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मौके का फायदा उठाकर रूबी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। जब वो वापस घर पर आई तो घर पर पुलिस थे। पुलिस उसे कहते हैं तुम्हारे मदर फादर का एक्सीडेंट हो चुका है, वो बेचारी टूट गई थी, वहीं पर चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद डायरेक्टली हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके नेबर्स थे मिस्टर एंड मिसेस क्लास। इन्होंने रूबी के पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बातें कही। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद रूबी का मामा उसके पास आया, पर रूबी ने पूरी लाइफ में कभी भी उसे देखा नहीं था। मामा रूबी से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। रूबी उसे कहती है तुम इतने साल कहाँ थे, मदर और तुमने अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रखा था। उसका मामा उसे समझाता है कभी कभी ब्रदर और सिस्टर में चीज हो सकती है। मैंने हमेशा सोचा था कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो तुम सबके पास में आऊंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पर ये कभी मिला ही नहीं। आज उसे पछतावा है तो फ्यूचर में रूबी के लिए वो कुछ करना चाहता है। रूबी भी इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद रूबी के घर पर उसका लॉयर है, वो कहता है तुम्हारी मदर के एक इंश्योरेंस था, फादर के पैसे थे, तो इस वजह से पूरी लाइफ में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक रूबी एक टीनेजर है तो उसे पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के पेरेंट्स के विल के अकॉर्डिंग उसके नेबर उनका ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुंचे जिनका नाम है टेरी और उनकी वाइफ का नाम एरिन। टेरी रूबी को सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि रूबी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा होगा, तो इसी वजह से सारे मिलकर मालोगो में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनका एक बड़ा सा हाउस था। रूबी और उसके ब्रदर को उन्होंने एक ही कमरा दिया। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर टेरी ने कहा कि टेम्पररी है, तुम्हें सेपरेट रूम मिल जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो खाना खाते हैं ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आज रात उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी तो स्विमिंग करने के लिए वो बाहर गई, पर उसे लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, तो इस वजह से वो वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी न्यू स्कूल में गई। प्रीवियस स्कूल में जितना फ्रीडम बच्चों को मिलता था उतना फ्रीडम यहाँ नहीं मिल पाता, पर फिर भी वो एडजस्ट करती है। वो जब घर आई तो एरिन ने उसके लिए क्लोथ्स लाए थे, उसके ब्रदर के लिए वीडियो गेम्स, तो ये दोनों बहुत खुश थे। रात में एरिन अपने फ्रेंड से स्कूल कितनी घटिया है इसके बारे में बात कर रही थी। ये बात एरिन ने सुन ली, उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने हैं तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि एरिन उसका फोन कॉल सुन रही थी। रात में भी किस तरीके से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होगा इसके उसे सपने आते हैं। एक रात 3 बजे वो स्विमिंग कर रही थी तो टेरी उसके पास आ जाता है। वो उसे गलत नजरों से देख रहा था, उसने उसे फिर से इस तरीके से रात में स्विमिंग करने से मना कर दिया। रूबी के स्कूल में ड्राइविंग का क्लास था, इसमें एक्सीडेंट कैसे होते हैं इसकी वीडियो उन्हें दिखाई जा रही थी। इस बात से रूबी डिस्टर्ब हो गई। उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता तो वहां से उठकर वो चली गई। एरिन उसके पास आई, वो कहती है क्या तुम्हें कुछ तकलीफ है। रूबी ने कहा कि मुझे जरा बीमार लग रहा है, तो एरिन अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक मेडिसिन उसे दे देती है। रूबी वंडर करती है कि इतने सारे पिल्स क्या काम किए। आज रात रूबी को बेहोशी की तरह नींद आई। फिर से बीच रात में उठ गई थी तो उसने नोटिस किया टेरी और उसकी वाइफ ये दोनों झगड़ रहे हैं। टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर उसके कोई भी फ्रेंड्स बन नहीं रहे। आज रात टेरी उसके पास आया और कहता है कि मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रूबी उसे मना करने की कोशिश करती है पर टेरी मानता नहीं। जब ये दोनों वहां पर जा रहे थे तो टेरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया। रूबी को एक जगह पर डिनर करने के लिए लेकर आता है। उसने उसे समझाया कि कल रात तुमने जो भी देखा ये हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो चलते ही रहते हैं, कभी कभी एरिन के साथ रहना ये लोनली हो सकता है। फिर से घर वापस आते वक्त टेरी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है तो रोक लेता है। वो उसके बहुत ही पास आ गया था। रूबी डर गई तो अपना माइंड चेंज कर सिर्फ उसका सीट बेल्ट वो लगा देता है। घर आने पर रूबी नोटिस करती है कि एरिन खुद को सिरिंज लगा रही थी। ये सब बातें रूबी को बहुत गलत लगी तो डायरेक्टली अपनी सिटी में आकर लॉयर से वो बात करती है।
लॉयर को लगता है कि शायद रूबी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए। उसने रूबी को समझाने की कोशिश की कि अगर टेरी के साथ तुम नहीं रह पाए तो तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिलीज में जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जो हेल्प रूबी को चाहिए थी ये नहीं मिल पाती, पर फिर भी लॉयर कुछ करने वाला था। रूबी के जाते लॉयर टेरी को कॉल कर सब कुछ बता देता है। घर आने पर टेरी और एरिन उसे बात करते हैं। एरिन ने कहा कि मुझे डायबिटीज की बीमारी है, कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो डायबिटीज की मेडिसिन ले रही थी। रूबी को भी उन पर बिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूबी अपने स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, ये उसके लिए बहुत ही हार्ड था। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ कुछ लोग थे जो उसे धमका रहे थे, उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की। रूबी ये देखकर डर गई और नीचे वर्कशॉप में आई। यहाँ पर उसने नोटिस किया उसकी पेरेंट्स की कार है। इन रियलिटी एक्सीडेंट में उसे बर्बाद हो जाना चाहिए था। घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि बिजनेस है, बिजनेस में कभी कभी इस तरीके की चीजें होती रहती है, इस बात से तुम डरना मत। रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज निकाली। उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी वो BMW चला रहे थे, पर उसके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। उसने लॉयर को कॉल किया और कहा कि मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन निकालो। आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था पर वो वैसे ही सो गए। टेरी ये चीज नोटिस करता है और रात में उसने पूरा ऐसे लीक डाला। सुबह जब रूबी ये नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई थी। रूबी के लॉयर ने उसे भेजा हुआ था। सोशल वर्कर को जब पता चला कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो उसे गलत लगा। अब वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी। इवनिंग में इंस्पेक्शन के लिए जब वो उनके घर पर पहुंची तो टेरी ने ऑलरेडी इनके रूम अलग अलग कर दिए थे। रूबी का ब्रदर भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए सब लोग जब बाहर गए तो रूबी ने थ्रैश कैन में नोटिस किया कि उसके कॉलेज का लेटर था। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया और उसके सारे पैसे फिर से वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का भी लेटर आया था, ये उन्होंने उसे दिखाया ही नहीं। ये सब बातें रूबी को बहुत ही सस्पिशियस लगी। रात में ईमेल से अपने लॉयर को कांटेक्ट करने की वो कोशिश करती है, पर टेरी ने उसका अकाउंट बंद करवा दिया था। रूबी नोटिस करती है कि टेरी जरा डिस्टर्ब है और फोन पर बात कर रहा है, तो वो नीचे आके उसकी सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। टेरी फोन पर बता रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, एक्चुअल में मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दिया, पर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे है, मैं थोड़े थोड़े कर आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी मैं $30,000 भेज रहा हूँ। ये वही $30,000 थे जो रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, यानी कि वो सारे पैसे उसी से लूट रहा है। अगले दिन रूबी को उसके लॉयर का स्कूल में कॉल आया। उसने कहा कि जो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे थे ये एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का सारा शक टेरी पर ही था। टेरी ने रूबी का जो ऐसे लिखा था ये भी कॉपी कर लिखा था, ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है। इसके पीछे भी टेरी ही था। अब रूबी को पता था कि वो डेंजर में है, इस घर में वो नहीं रह सकती। बीच रात छुपके से जाकर टेरी की गाड़ी वो चोरी कर लेती है। अपने ब्रदर को उसने उठाया और गाड़ी में बैठ गए। उसे सही से चलानी आती नहीं थी पर फिर भी वो वहां से निकल गई। नीचे गाड़ी का आवाज सुनकर टेरी भी जग जाता है, वो उनका पीछा करने लग गया। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया, तभी वहां पर टेरी आ गया और इन दोनों को घर लेकर जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी तो इस वजह से सिर्फ मैंने एक अच्छी कार उन्हें दे दी थी। रूबी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर घर पर आने के बाद एरिन ने उसे सीरिंज लगाकर बेहोश कर दिया। अगले दिन टेरी रूबी के बैंक में गया, वहां से और भी पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, पर बैंक को पता चल चुका था कि उसने ऑलरेडी $30,000 की चोरी की है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। एरिन को एक्चुअल में डायबिटीज की बीमारी थी ही नहीं, वो हमेशा ड्रग्स करती थी और ये ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल हेड को पता चली तो उसे फायर कर दिया जाता है। इस बात को लेकर टेरी और एरिन में झगड़ा हो गया। एरिन कहती है हमें इस तरीके से कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था। यह हमें पता चलता है रूबी के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे ये दोनों ही थे। एरिन को इस बात से बहुत ही गिल्टी लगता है तो इस वजह से वो ड्रग्स करती है। टेरी को इस बात से थोड़ा भी पछतावा नहीं है, वो कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने वो ले ली। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की जरूरत थी तो यही लेने के लिए टेरी वहां से चला गया। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की तो उसे मिल भी गए। एरिन और टेरी जब यंग थे तो उन्हें एक बेटी भी थी, इसकी वीडियो देखने लग गए। इमोशनल होकर ज्यादा ड्रग्स वो ले लेती है और वैसे उसकी डेथ हो गई। रूबी ने नोटिस किया और वो बहुत ज्यादा डर जाती है।
टेरी घर पर वापस आया तो उसे बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे जाकर फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इस बात से वो गुस्सा हो गया। रूबी और उसका ब्रदर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर टेरी ने उसे पकड़कर बेसमेंट में डाल दिया। बेसमेंट से इन्होंने निकलने की कोशिश की, एक वेंट था जहाँ से निकल सकते थे। टेरी घर से बाहर जाने वाला था पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और घर में आकर ड्रिंक कर सो जाता है। स्लोली स्लोली ये दोनों घर से बाहर आ गए। टेरी की गाड़ी की चाबी लेकर वो भागने वाले थे तभी इनका लॉयर यहाँ पर आ गया। वो टेरी से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी टेरी से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक्चुअली रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था, कहा था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। वो अब टेरी को मारते हैं पर उसने कहा कि लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसी ने सारे पैसे चुराए हुए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है, कहता है इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। वह यहाँ से जाना चाहता था पर गैंगस्टर ने उसे मार डाला। अब ये गुंडे मिलकर टेरी को लेकर जा रहे थे। रूबी ने ऑलरेडी टेरी की गाड़ी के ब्रेक्स निकाल लिए थे। इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रोड पर इनका एक्सीडेंट हो गया। रूबी और टेरी रास्ते से जा रहे थे तो एक पुलिस उन्हें हेल्प करता है। आगे चलकर पुलिस ने देखा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे जाकर देखता है तो टेरी अब भी जिंदा था, उसने पुलिस को ही मार डाला। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ गया। वो रूबी को देखकर मारने वाला था, रूबी डर गई, जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। उसने गाड़ी से टेरी को कुचल दिया। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी और उसके ब्रदर के साथ उसका मामा था, अब वही उनका ख्याल रखने वाला है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।